पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी रोगियों के सघन खोज के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर में आगामी 10 जून से 22 जून तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए गुरुवार को जिला क्षय रोग केंद्र पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम समन्वयक धर्मवीर प्रताप सिंह ने सक्रिय खोज अभियान के दौरान होने वाली कार्यवाही का विस्तृत विवरण चिकित्सा अधिकारियों को विस्तार पूर्वक बताया। इस दौरान डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने सभी चिकित्सकों को उक्त अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कार्यशाला में सहजनवा, भटहट, सरदार नगर, पिपराइच, अर्बन हेल्थ पोस्ट निजामपुर के चिकित्सक, जिला क्षय रोग के केंद्र के डॉक्टर विराट स्वरूप श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील सिंह, धर्मवीर प्रताप सिंह, एएन मिश्रा, अरुण कुमार सिंह सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग के अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने कहा, अपने एरिया को छोड़कर न जाए, ये जरूर बता दीजिए। अपनी सुविधा के हिसाब से करें, सुबह कर रहे हैं और शाम को कर रहे हैं। इसको जो है बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि मॉनिटरिंग जो है बहुत इस बार एक्टिव स्पैंडिंग में होगा। आपको नहीं टाइम मिलता है किसी मेडिकल ऑफिस पर जो है, वो भी हमारे ग्राम के प्रधान पीटीसी मेंबर जा रहे हैं, पहले भी प्रचार प्रसार कर दें और टीम हमारी यदि जाती है उससे हेल्प मिल एक्टिविटी जो है यह कार्यशाला जो है अपने यहाँ 10 जून से 22 जून तक जो है एक्टिव केस फाइंडिंग क्षय रोग खोजी अभियान चलाया जाएगा, जिसके सापेक्ष जो है हमने जो है आज जितने हमारे MOTC हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको इसके बारे में सेंसिटाइजेशन कराया जा रहा है, किस तरह से ब्लॉक स्तर पर इसको सफल बनाएंगे और कार्य को पूर्ण करेंगे। इसी के उपलक्ष्य में मैं जो है अपने यहाँ के जितने मेडिकल ऑफिसर हैं उनका जो है मीटिंग कराया हूँ और उसी से पर जो है विस्तृत चर्चा हुआ है, जिससे कि हम इसको अच्छी तरह से सफल बना सकें। यहाँ पर जितने भी ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर हैं वो आए हैं, अधीक्षक हैं वो भी आए हैं, इसलिए जो है लगभग कि हम कंप्लीट तौर से जो है पूरे ब्लॉक को कवर कर सकें।